नमस्कार, जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलखेड़ी में अवैध रूप से शराब व्यापार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही। भारी मात्रा में लाखों की अवैध शराब जब्त। शराब की बिक्री हेतु बनाए गए अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। ग्राम दूधी में अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही। एक JBC, एक पोकलेन, एक ट्रैक्टर जब्त। देखते रहिए UV-NGRO 8 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। एक बार फिर जिला प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। जिला दंडाधिकारी श्री नीरज सिंह एवं पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन एवं पुलिस की टीम के साथ मिलकर अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया है। जनमानस के जीवन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अवैध एवं नकली शराब को बेचने को अपना धंधा बना चुके कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नकेल कसने आज दिनांक को तड़के ही प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने ग्राम गुलखेड़ी में दबिश दी। दबिश के दौरान प्रशासन की तकरीबन 50 गाड़ियों में भारी पुलिस बल के साथ इस गांव में दबिश दी गई। जिले के थाना ब्यावरा देहात में समस्त बल को एकत्रित कर जिला दंडाधिकारी श्री नीरज सिंह एवं पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा मौजूद समस्त बल को ब्रीफ किया जाकर कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। प्रशासनिक अमला पुलिस के वाहनों के साथ पचोर होते हुए ग्राम गुलखेड़ी पहुंचा। मौके पर पहुंचकर सर्वप्रथम पूर्व से चिन्हित स्थानों पर पुलिस टीम के साथ आबकारी विभाग के अमले द्वारा अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही बिक्री के लिए बनाए गए अवैध निर्माणों को बुलडोजर के माध्यम से गिराया जाकर ग्राम को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान की जा रही संपूर्ण कार्यवाही को ड्रोन कैमरे की मदद से कैप्चर भी किया जा रहा था। नकली एवं अवैध शराब का भंडारण करने वालों सहित शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना बोड़ा में आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। साथ ही 86 पेटी शराब, विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी देसी शराब को जब्त किया गया। थाना बोड़ा के आरोपी उमेश पिता कन्हैयालाल सांसी निवासी ग्राम गुलखेड़ी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 227 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी के कब्जे से कुल 157 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 77,500 के विधिवत जब्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे प्रकरण में आरोपी बबलू पिता रंगलाल सांसी निवासी गुलखेड़ी के अपराध आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी के कब्जे से 668 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जो कि 232,800 की जब्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरणों को विवेचना में लिया गया। उपरोक्त सकारात्मक कार्यवाही को अंजाम देने उपरांत मौके से लौटते वक्त SDM ब्यावरा द्वारा दूधी नदी के आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने, खनिज विभाग की टीम द्वारा छापा मारकर अवैध कारोबारियों के कब्जे से एक पोकलेन मशीन सहित एक ट्रैक्टर एवं एक JBC को मौके से जब्त किया गया। उक्त वाहनों को ले जाते समय ग्राम दूधी के आसपास कुछ लोगों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर शासकीय वाहनों पर प्रताप किया गया। वहीं ग्राम गुलखेड़ी में दबिश को अंजाम देकर लौटी पुलिस की टीम ने ग्राम दूधी के पास पहुंचकर खनिज विभाग की टीम को बैकअप देखते हुए ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे पथराव को रोका। साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने हेतु किए जा रहे दंडनीय कृत्य के चलते आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध थाना करनवास में शासकीय कार्य में बाधा एवं शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण आरोपी गण महेश गुदेन, विनोद छाड़ी, मनोज नेनावत, राकेश कंजर, अमित कंजर, शैलेंद्र गुदेन, कल्याण कंजर, अक्षय कंजर, भगवान सिंह कंजर, करण कंजर, नीरज छाड़ी, सरिता बाई, महेंद्र छाड़ी, अन्य निवासी ग्राम दूधी के विरुद्ध धारा 147, 148, 353, 427, 332, 186 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार जिले में की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही से निश्चित रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में भय उत्पन्न होना लाजमी है। संपूर्ण कार्यवाही के दौरान जिला दंडाधिकारी श्री नीरज सिंह एवं पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री SR दंडोतिया, जिला आबकारी अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी, SDM ब्यावरा, SDM सारंगपुर, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ब्यावरा सारंगपुर नरसिंहगढ़ एवं राजगढ़, तहसीलदार, जिले का पुलिस बल, नगर पालिका का बल,
सहित होमगार्ड के जवान भी मौजूद रहे।